दोस्तों आज की इस वीडियो हम लेके आए हैं क्लास टेंथ का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आप भी इस बार बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन अलाउ कर लें ताकि न्यू वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री। दोस्तों अगर आप भी अच्छे मार्क्स चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर आप नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर एक, दर्पण सूत्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/v + 1/u = 1/f। सवाल नंबर दो, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समतल तथा उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। सवाल नंबर तीन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आभासी तथा बराबर। सवाल नंबर चार, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो दोस्तों गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर पाँच, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चमकीय तरंग का। सवाल नंबर छः, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। सवाल नंबर सात, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सवाल नंबर आठ, गोलीय दर्पण में फोकस स्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, f = r/2। सवाल नंबर नौ, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। सवाल नंबर दस, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सवाल नंबर ग्यारह, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सवाल नंबर बारह, किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समतल या उत्तल। सवाल नंबर तेरह, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के धूप तथा मुख्य फोकस के बीच। सवाल नंबर चौदह, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण द्वारा। सवाल नंबर पंद्रह, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। सवाल नंबर सोलह, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोकस के अंदर। सवाल नंबर सत्रह, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उल्टा होगा। सवाल नंबर अठारह, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। सवाल नंबर उन्नीस, मोटर चालक के सामने दर्पण 60 मीटर लगा होता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तल। सवाल नंबर 20, सच लाइट का परावर्तक सतह होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवतल। सवाल नंबर 21, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में किरण गमन करती है। सवाल नंबर 22, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुम्बकीय तरंग का। सवाल नंबर 23, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इस सवाल कई बार पूछा जा चुका है, अगर आप चाहे तो रट भी सकते हैं या अपने कॉपी कलम लेके नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 24, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीधा होता है। सवाल नंबर 25, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से। सवाल नंबर 26 यहाँ पे है, किसी दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और हासित होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रकाश को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। सवाल नंबर 29, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तु होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दीप्त या प्रदीप्त होती है। सवाल नंबर 30, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए सवाल नंबर 31, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर/सेकेंड की चाल से आ रहा है, मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, इसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी +16 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 33, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण में। सवाल नंबर 34, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्ता त्रिज्या होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर होगा। सवाल नंबर 35, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण होगा। सवाल नंबर 36, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तल होगा। सवाल नंबर 37, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ध्रुव तथा फोकस के बीच। सवाल नंबर 38, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी परावर्तित कर रहे। सवाल नंबर 39, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण में। सवाल नंबर 40, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरण परावर्तन के बाद
होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। सवाल नंबर 41, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं उतार सकते हैं। सवाल नंबर 42, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। सवाल नंबर 43, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्ता त्रिज्या। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, साथ ही कमेंट कर अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वह भी अच्छा से तैयारी कर सके। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन अलाउ कर ले ताकि न्यू वीडियो आपको मिलता है बिल्कुल। फिर चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।